सभी को नमस्कार। इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी बड़ा बॉक्स है ये और बहुत समय से मेरे घर पे रखा हुआ था। ये जीके कार्ड की तरफ से आया है और मैं जब अपने न्यू लोकेशन पे गया था, अभी फ़िलहाल मैं अपनी ओल्ड लोकेशन पे हूँ, मैं घर पे हूँ अभी, तो तब ये पार्सल आया था। शायद मेरे जाने के बाद कुछ ही दिन में, मतलब शायद 4-5 दिन में ये पार्सल आ गया था। तो शायद 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको। स्टिल ये ऐसा ऐसा बड़ा मुझे मिला। साउंड का दिक्कत आज भी रहेगा क्योंकि बाइक माइक मेरे पास है ही रहा बोया वाला, लेकिन अभी जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो भी लेटेस्ट फ़ोन वगैरह आते हैं उनमें 3.5 mm जैक नहीं है। और मैंने एक वायरलेस माइक भी ऑर्डर किया था लेकिन वो गलती से जो है वो आईफोन वाला आ गया है उसमें, जो इस फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता। तो थोड़ा समय लगेगा, साउंड क्वालिटी भी हो सकती अच्छी ना आए, पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ट्राईपोड स्टैंड अवेलेबल है। तो कहाँ से कट करें समझ नहीं आ रहा है, अच्छी हो सकता है। RCSG का जो पार्सल मैंने एक बार अनबॉक्स किया तो उसमें यही होता है, अगर आपके उसमें ट्राईपोड वगैरह हो तो आप आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पॉज करके करना पड़ता है। यहाँ से कुछ नज़र आ रही होगी किरण, यहाँ से हो सकता है ये इसका जॉइंट है तो जल्दी खुल जाएगा। तो इस बार मैं पॉज करके नहीं करके ऐसे करूँगा अनबॉक्सिंग। और आई थिंक बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है, इसको अनबॉक्स करना टफ रहेगा। क्या कंटेंट है भूल चुका हूँ, थोड़ा मुझे याद है। और इसके साइज से पता रहेगा कि बिग साइज की बुक्स होंगी, बट कौन सी बुक्स होंगी क्या उनका रहेगा देखते हैं। वाह, अच्छे से बांधा हुआ अंदर एक और पार्सल है, पार्सल के अंदर ही पार्सल है। बट मैं इसको पूरा निकालूंगा नहीं, मैं यहीं से कट करने की कोशिश करता हूँ। ये बांधा हुआ था, धागा कट करता है, पहले धागा कट हो चुका है, धागा है बट टेप वगैरह है, मुश्किल रहेगा इसे अनबॉक्स करना। तो बैटरी की थोड़ा पॉज ही कर दूँ मैं इसको वीडियो को। तो ये आप देख सकते हैं जीके कार्ड का जो पैकिंग आजकल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, बहुत टफ है पैकिंग। तो ये कुछ हमको दिखाई दे रहा है इसमें, एक एक करके निकालते हैं चीज़ों को, क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। ये आई थिंक जो मर गया जम्मू का एक कलेक्टर एडिशन मैंने अनबॉक्स किया था अपनी न्यू लोकेशन में, उसी के पेपर बैग से और उसके साथ में त्रिदेव नाम से ये स्टैंड आया था, इसमें जम्मू और तोसी शायद अंगार थे। तो ये इसको इसमें 5-6 कॉमिक्स हैं, इसको करेंगे अनबॉक्स निकालेंगे। और इसके साथ में है ये कुछ, अच्छा आई थिंक ये पब्लिशर की पैकेजिंग होगी, काफ़ी बड़ी पैकेजिंग लग रही है। थर्मा कोई बॉक्स वगैरह है, ये प्रावी तारा वाला आई थिंक स्लिप केस कवर है, प्रलय विनाश तारा से शुरू वाला नहीं, राजनगर कवर वाला, इसे निकालूँ कैसे, अगेन वीडियो पोस्ट करना ही पड़ेगा लगता मुझे। देखिए मैंने जब इस बॉक्स को ओपन करा तो इसमें जो जो फेमस पैकेजिंग है मनीष गुप्ता जी की उसमें है, फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा है। क्योंकि स्लिप केस कवर वाला जो मनीष गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन फर्स्ट टाइम मैंने देखा था वो था अमर प्रेम वाला, उसके बाद ये डिलीवर हो चुके थे, काफ़ी तारीफ मैंने ऑनलाइन सुनी थी इनकी बट देखा पहली बार है। तो ये प्रलय विनाश ताना सा शुरू वाला बिल्कुल श्रिंक रैप में कम्प्लीटली पैक है, बहुत शानदार स्लिप केस कवर है ये। और उसके अलावा ये थर्मोकोल वाला, और आई थिंक ये पब्लिशर वाली पैकेजिंग है, थोड़ा सा मैं इसको पॉली बैग जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पैकेजिंग है ना, 2 पैकेट्स हैं ये पब्लिशर वाले पैकेट्स आई थिंक, और इसके ऊपर फिर जीके घाट ने अपनी पैकेजिंग की थी इसलिए डबल हो गया था। और धागा बांधा होता टेप अप्रोन क्या है कि नीचे वाला बॉक्स अगर निकालना है तो मुझे ये करना पड़ेगा इसे, प्लस ये बॉक्स भी चाहे तो काम ले सकते हैं क्योंकि अभी मैं इस लोकेशन में लिमिटेड टाइम के लिए हूँ। तो इसको फिर से यदि स्टोर करना हो, प्रॉपर स्टोरेज का नहीं समझ में आए तो ये हम कर सकते हैं। एक्चुअली ये पब्लिशर की तरफ से बॉक्स आया था विद थर्मोकोल पैकेजिंग, तो इसको इस एज इट इज़ इसको करना पॉसिबल है। काफ़ी थका देने वाली अनबॉक्सिंग रही होगी। तो एक बॉक्स को हटा चुका हूँ, अब दूसरा बॉक्स बिना पॉज करे अनबॉक्स करना संभव दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है इसका। जिसे अमर चित्र कथा की रामायण वगैरह आती है उस हिसाब से पैकड है, अच्छा पैक है।
पैकेजिंग के पब्लिशर की भी बहुत ही ज़बरदस्त था और मनीष गुप्ता जी की भी बहुत मतलब जी के काम की बहुत ज़बरदस्त मानना पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा। ऐसी पैकेजिंग कभी देखी नहीं। अच्छा काफ़ी कुछ है, सोचा नहीं था ऐसी बुक्स मिल रही हैं। इवन इसके अलावा ये देखिए एक और ये एक पार्सल था, इसमें क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे मैं सोच रहा था त्रिदेव वाला सेट इसमें होगा, बट त्रिदेव तो इसमें निकल नहीं, देखना पड़ेगा अब। अगेन थर्मोकोल वाली पैकेजिंग में है, इसमें कौन सा एडिशन आ गया आज, कथाएं 16 राज कथाएं 16 करके। मुझे सिंपल नॉर्मल कवर में चाहिए थी, पैडेड कवर में नहीं चाहिए थी मुझे, बट ये मेटेलिक में है। ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊँगा, बस अभी भी समय का बहुत अभाव है, कुछ कारण है उसके। और ये है राज कॉमिक्स वाले मनीष गुप्ता जी खजाना। एक संयोग है कि मैंने और जोसेफ ने खजाना में बहुत चर्चा करी थी, और तब मनीष जी वाला खजाना में बस नहीं था, और बहुत तारीफ़ कर रहे थे जोसेफ कि टॉप क्लास का है, लिख भी रहा है। फिर पूरा जो नया आर्ट हेमंत कुमार जी ने बनाया था उसका आपका स्लिप केस कवर मिल जाता है, अंदर की बुक मिल जाती है। आई थिंक इसी अनबॉक्सिंग के कंटिन्यूशन में ही इसको मैं कर लूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसका स्लिप केस कवर हल्का सा कटा हुआ भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा थोड़ा एफर्ट करने से हो जाएगा। ये एक टेप अगर चिपक गई है कट कर देता हूँ उसको, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से कट करने का सोचा था बट कुछ ज़रूरी नहीं है, समय का नितान्त अभाव है सच में। मतलब इसको ही मैं बहुत सोच के कट कर रहा हूँ, बुक कट ना हो जाए। बस इस पॉली बैग का यूज़ हो सकता है, लोग बोलते हैं कि भाई जो लोग जो सब बताते हैं कि इसको जो है स्लिप केस कवर को लिमिट रखने के में कर सकते हो, इसका यूज़ करेंगे, बट अभी इसको निकालना जरूरी है। बहुत ही अच्छे से पैक है ये स्लिप केस कवर, स्लिप केस कवर बहुत अच्छा लग रहा है। और संजय गुप्ता जी का जो कलेक्टर एडिशन था उसके अंदर ये इसका जैकेट कवर दिया गया था, स्लिप केस कवर में दूसरा आर्ट था। तो आपको पहली बार मनीष जी की बुक में या संजय जी की आर्ट मिल जाती है। ये स्लिप केस कवर है, वेल लेमिनेटेड रहेगा एच डी टी सी, ये बॉक्स मुझे काम आएंगे, मैं एच डी सी पैक करूँगा। तो अगेन खजाना में देखिए कॉर्नर्स पूरी तरीके से गोल्ड ग्लिटर्ड है, ये पैडेड वाला है, गोल्ड ग्लिटर्ड वाला है, ओपन क्या हुआ ग्लोसी वाला है। इसका डाइजेस्ट भी शायद मैंने ऑर्डर किया था, शायद किया था, चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पर ये जो है मुझे मेटेलिक से ज़्यादा ग्लोसी पसंद आया, अगर ग्लोसी में ऑप्शन होता है कुछ ऐसे कलेक्टर एडिशन है जैसे कि ध्रुवारंभ हो गया ये राजकथा होगा, अभी आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता तो एक अलग बात होती है। तो ये देखिए यहाँ पर फिर वही अस्तर है, और इस पर गुड लेमिनेशन की हुई था कि फटे ना, कि शुरुआत में ऐसी दिक्कत आई थी। मनीष गुप्ता जी की अच्छी बात है कि वो फीडबैक पे काम करना शुरू कर देते हैं तुरंत ही, तो उनकी जो नेक्स्ट चीज़ होती है उसमें काम हो जाता है। खैर ये देखिए बकायदा जैसे नारायण में ऐसे गोल्ड के कॉर्नर्स आए थे, अब तो काफ़ी फेमस हो गए हैं, पर खजाना में डिजर्व करता था ऐसे गोल्ड कॉर्नर्स। अच्छा कलेक्टर एडिशन है, काफ़ी बातें हो चुकी इसके बारे में, बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, ग्लोसी में बहुत सारे हो गए हैं। खजाना मनीष गुप्ता जी वाला खजाना है ये, संजय गुप्ता जी के खजाने पे बात मैंने काफ़ी करी थी, मनोज गुप्ता जी के खजाने पे काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं। इसके अंदर जो है आपके आई थिंक जो पुराना खजाना कलेक्टरेशन आया होगा जो एक्चुअल ओरिजिनल शायद उसी का ये पूरा एक रिप्रिंट है। शाहकुरा का चक्रव्यूह, अनुपम सिन्हा जी वाला, नागराज कांत, जहर नागपाल, बहुत अच्छी क्वालिटी में दिया है, और सबके अंदर से डिटेल्स भी दिए हैं, और नया वाला कवर भी दिया है, बहुत कुछ दिया है इसके अंदर। वास्तव मैंने पढ़ा ना हो, इसको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि संजय गुप्ता जी ने सेम कॉपी किया था, कहीं और से था, मतलब जो ओरिजिनल खजाना था वही इसमें है कि नहीं है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, इतना समय भी नहीं है उसमें। बस एक प्रावी तारा को भी अनबॉक्स कर लूँ तो ये अनबॉक्सिंग कम्प्लीट हो जाएगी। अगेन ज़्यादा बातें मैं नहीं कर पाऊँगा इसके बारे में, और बहुत बार चर्चा भी कर चुका हूँ, हल्का सा कट लगा के इसको ओपन कर दूँगा। अभी भी मतलब ऐसे मतलब कि बिल्कुल टाइम बहुत मुश्किल से निकाल के कर रहा हूँ सब कुछ, शरीरी काम तो उसके लिए लेट ना होगा। और ये है प्रलय विनाश तानाशाह और राधा जी तबाही, इसके बहुत सारे वेरिएंट है, मतलब मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन की 2-3 कॉपी रखी हुई हैं, मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग की 2-3 कॉपी रखी हुई हैं, ओरिजिनल इसके जो पेपर बैग्स आए थे उस साइज़ के रिप्रिंट्स काफ़ी पड़े हैं, मैं अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ आपके सामने। तो स्लिप केस कवर सबसे बड़ा चार मेन कॉमिक्स का, चाहे वो खजाना वाला हो चाहे प्रावी तारा वाला, बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्लिप केस कवर बना दिया है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है।
और ऐसा ही स्लिप केस दुबारा में भी मिलने वाला है। ये अपने आप एक नॉवल्टी है, बस यही है। सभी कॉमिक्स को डबल स्प्रेड में कवर दिया गया है और अस्तर वगैरह काम किया गया है, मेटेलिक में है। फर्स्ट टाइम मेटेलिक में देख रहा हूँ, इनको अच्छी लग रही है। और जो ट्रेडिशनल इनका अंदाज था वो तो खैर सुपर है ही, बट वो काम मतलब इसमें थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा मिरर इमेज का काम किया गया। आई थिंक ये सीन उल्टा था बिल्कुल एक्चुअल कॉमिक्स में, इसको थोड़ा मिरर इमेज कर दी गई है इसकी। और इसमें ये फोल्डेड जो इसका बैक कवर था वो दिया गया, जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ऐसा भी हो सकता है। जो फ्रंट कवर आपको पूरा ये ऐसे मिल जाता है और बैक कवर की एक्चुअल जो कॉमिक्स आई थी उसमें ऐसे फोल्डेड कवर मिले थे। काफ़ी कुछ है इसके अंदर, आपने काफ़ी कुछ चर्चा सुन भी ली होगी इसके बारे में। बस ये कि बेस्ट एडिशन है, लाइक अलग ही फील आती है मनीष गुप्ता जी के ये एडिशन देखने में। बहुत सारे कंपेयर वगैरह का सोच रखा था कि मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन से कंपेयर करेंगे, या फिर समय मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी नहीं, अभी इसको केवल और केवल अनबॉक्सिंग तक सीमित रखेंगे। ये क्या चीज़ है? अच्छा, डबल स्प्रेड का बैक कवर इसका। अच्छा, ओहो ओहो ओहो, फिर मनीष गुप्ता जी ने बहुत कुछ कर रखा है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। आप देख सकते हैं कि जो बैक कवर फोल्डेड होता है और उसके इनर साइड होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जब ये फ्रंट कवर जब फोल्डेड होता है तो उसके अंदर के एड वगैरह को भी यहाँ फोल्डेड रूप में दिया गया है, जो कि बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ दिया गया मतलब इसके ओरिजिनल एड वगैरह, और अच्छा काम किया गया। और वेरिएंट कवर दिया गया है जो मनोज गुप्ता जी ने रेफरेंस में दिया है, उसके अलावा दिया गया है। अच्छा है, मतलब आपके वो तो है ही, तो अच्छा लगा है। ये न्यू अच्छे कलर वाले जो सेकेंड प्रिंट वगैरह आए थे उनमें कुछ डिजिटल कलरिंग की गई थी, वो सब दिया गया है। और जितने भी ऑल्टरनेटिव कवर्स आए थे वो सब दिए गए। देखिए आप, ये विनाश का एक ऑल्टरनेटिव कवर आया था, शायद हेमंत कुमार जी ने बनाया था। बहुत कुछ दिया है इन्होंने, एक अच्छा कलेक्टर एडिशन है। मनोज गुप्ता जी वाले कलेक्टर एडिशन भी बहुत शानदार थे। ये देखिए एक्चुअल कलेक्टर एडिशन में ये पोस्टर्स आया था, मतलब आपको कुछ कमी महसूस नहीं होगी, अपने आप में बहुत फिर कलेक्टेबल बुक है। अच्छा मैंने लिया इसको, मैं काफ़ी कन्फ्यूज भी था क्योंकि बहुत सारी कॉपीज हो गई थी इनकी, स्टिल अच्छा है। मतलब ये फोल्डेड में जो इन्होंने दिया है ना, ये एक्स्ट्रा कंटेंट बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, और थोड़ा सा इसके पीछे की कलरिंग को डिजिटल करा गया है, अच्छा लग रहा है। मेटेलिक में अलग ही फील आ रहा है। खजाना मैंने मेटेलिक लिया नहीं, लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। बहुत कुछ दिया है, इसकी बात करेंगे बाद में, अभी इस वीडियो को इतना बड़ा नहीं करा जा सकता। तो ये अनबॉक्सिंग अभी फ़िलहाल यहीं तक सीमित रखते हैं, और एक छोटी सी अनबॉक्सिंग उसको भी निपटा देता हूँ, उसके बाद मिलते किसी और वीडियो में।